हेलो एवरीबॉडी। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको केशियो सिटी के 6300IN के बैक पैनल में कौन से ऑप्शंस मिलते हैं। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले ऑप्शन की तरफ, जो कि है पावर कनेक्शन का ऑप्शन। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पर्टिकुलर पोर्ट में आपको कनेक्ट करना होगा आपके कीबोर्ड के साथ आया हुआ एडाप्टर, जिससे आपके कीबोर्ड को पावर मिलेगी एंड वो वर्क करेगा। इसी तरह से आपको यहाँ पर इसका वोल्टेज भी लिखा हुआ है कि कितने वोल्टेज का आपको एडाप्टर यूज़ करना है। आप प्रेफरेंस दीजिए कि आपको जो कंपनी के साथ एडाप्टर मिला है आप उसी को यूज़ करें। बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट पोर्ट की तरफ। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है फोन्स एंड आउटपुट के बारे में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे फोन्स के बारे में कि फोन्स का ऑप्शन आपको कब एंड कैसे यूज़ करना चाहिए। फोन्स का ऑप्शन बेसिकली तब यूज़ किया जाता है जब आप अपने कीबोर्ड को अपने हेडफोन के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं एंड उसी हेडफोन में आप अपने कीबोर्ड का मॉनिटर लेना चाहते हैं। और इसी तरह से जब आप फोन्स का यूज़ करते हैं तब आपके कीबोर्ड के जो स्पीकर्स हैं, मतलब कि जो इसके इनबिल्ट स्पीकर्स हैं, वो म्यूट हो जाएंगे और सिर्फ कीबोर्ड का वॉल्यूम आपके हेडफोन्स में आएगा। तो कुछ इस तरह से फोन्स का यूज़ किया जाता है। बढ़ते हैं यहाँ पर जो दो और पोर्ट्स दिए गए हैं, जो कि है आउटपुट के लिए, मतलब कि आप अगर अपने कीबोर्ड को बड़े स्पीकर्स के साथ एम्पलीफायर या फिर मिक्सर के साथ कनेक्ट करके प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर कुछ तीन अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट, लेफ्ट एंड मोनो। तो कुछ इन दो पोर्ट्स का यूज़ करके आप इजीली अपने कीबोर्ड का आउटपुट दे सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पोर्ट की तरफ। तो यहाँ पर हमको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है ऑडियो इन का, मतलब कि अगर आप अपने फ़ोन को अपने कीबोर्ड के साथ कनेक्ट करके उसमें कोई भी MP3 प्ले करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इजीली कर सकते हैं ऑडियो इन के ऑप्शन से। आपको बेसिकली यहाँ पर यूज़ करना होगा ऑक्स टू ऑक्स केबल। ऑक्स की फर्स्ट साइड कनेक्ट होगी आपके कीबोर्ड में एंड सेकेंड साइड कनेक्ट होगी आपके फ़ोन के साथ। तो आप इजीली अपने फ़ोन से कोई भी सॉन्ग या फिर कोई भी म्यूज़िक प्ले करते हैं तो डायरेक्टली आपको उसका आउटपुट आपके कीबोर्ड के मिक्सर में मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पर एक और बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप ऑक्स टू ऑक्स केबल कनेक्ट करते हैं तब आपको कोई भी इंटरनली सेटिंग नहीं करनी है कीबोर्ड से। जैसे ही आप यहाँ पर प्लग इन करते हैं एंड प्ले करते हैं अपने फ़ोन से तो वो डायरेक्टली प्ले हो जाएगा आपके कीबोर्ड के स्पीकर्स में। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है सस्टेन पैडल एंड असाइनेबल जैक का, मतलब कि अगर आप कोई भी सस्टेन पैडल या फिर कोई भी ऐसा पैडल यूज़ करते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आपको जैक का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी आपको जैक टू जैक ही कनेक्ट करना होगा, मतलब कि जो भी आपके सस्टेन पैडल से जैक केबल निकलेगा वो यहाँ पर जाकर कनेक्ट होगा एंड उसके बाद आप अपने सस्टेन पैडल को काफ़ी आसानी से यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पोर्ट की तरफ। तो यहाँ पर आपको इस कीबोर्ड के पीछे एक और काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिलता है, जो कि है USB का, मतलब कि आप इजीली कोई भी प्रिंटर केबल या फिर एक USB केबल को कनेक्ट करके अपने कीबोर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के साथ एंड इसी कीबोर्ड को आप यूज़ कर सकते हैं एक MIDI कीबोर्ड के जैसे। आप कोई भी ऑडियो सॉफ्टवेयर के साथ इसे यूज़ कर सकते हैं एंड उसमें आप MIDI फाइल्स बना सकते हैं। और इस USB का एक और यूज़ है, मतलब कि अगर आप एक केशियो डेटा मैनेजर यूज़ करते हैं, जो कि केशियो की एप्लीकेशन है डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए केशियो से हमारे कंप्यूटर में एंड कंप्यूटर से हमारे केशियो में, तो आप उसका भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके काफ़ी सारे दूसरे भी यूज़ है, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आपको इसकी एक यूज़र मैनुअल पढ़नी होगी, उसमें आपको सभी डिटेल्स दी हुई है। बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट पोर्ट की तरफ। तो यहाँ पर हमारा जो लास्ट पोर्ट है वो है SD कार्ड का। बेसिकली आप यहाँ पर कोई भी एक स्टैंडर्ड SD कार्ड यूज़ कर सकते हैं जिससे आप कनेक्ट करके इजीली अपने कीबोर्ड की कोई भी MIDI फाइल्स या फिर कोई भी टोन रिदम की फाइल जो भी आपने एडिट की हुई है उसमें आप जाकर सेव कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप अपने कीबोर्ड का बैकअप लेना चाहते हैं तो उसका भी आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसमें आप अपने बैकअप को सेव कर सकते हैं अपने SD कार्ड में एंड आप SD कार्ड से इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं उस बैकअप को अपने लैपटॉप में या फिर अपने कंप्यूटर में। यहाँ पर आपको जब भी आप SD कार्ड को यूज़ करें तब आपको एक और ख़ास बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप SD कार्ड यूज़ करें तब आपको एक ओरिजिनल SD कार्ड को यूज़ करना है, वो एडाप्टर बेस्ड नहीं होना चाहिए। और आपको एक और ख़ास बात का ध्यान रखना है, जब भी आप इसे यूज़ करें तो आपको यहाँ पर इसका एक लॉक चेक करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि येलो कलर का यहाँ पर लॉक दिया हुआ है, अगर आप इसे लॉक करके यूज़ करेंगे तो वो सपोर्ट नहीं करेगा, इसलिए आपको इसे यहाँ पर अनलॉक करना है उसके बाद यहाँ पर इसे इंसर्ट करना है। और जब भी आप फर्स्ट टाइम अपने SD कार्ड को यहाँ पर इंसर्ट करेंगे तब आपको फॉर्मेट का ऑप्शन बताएगा, तो आपको अपने SD कार्ड को सिंपली अपने कीबोर्ड से फॉर्मेट करना होगा एंड उसके बाद आप अपने कीबोर्ड के साथ SD कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।